इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा आज ये नहीं है कि मैं आज आपको केक बनाना सिखाने वाली हूँ, बल्कि इस वीडियो में आपको मैं वो बताने जा रही हूँ जो कि आप अमूमन अपने केक को बनाने में कर देते हैं और जिसकी वजह से आपका केक खराब हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से तारा मधु की रसोई से। और आज का वीडियो बहुत ही काम का है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक परफेक्ट वनीला स्पॉन्ज बनाने की तरीके को बताऊंगी, जिससे आपका केक हमेशा परफेक्ट बनेगा, वो कभी चिपचिपा नहीं बनेगा, बीच में से बैठेगा नहीं। साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी कि इसे परफेक्टली बिना चाकू से कैसे काटा जा सकता है ताकि बिल्कुल सिमेट्रिकल निकले और आप क्रीमिंग अच्छे से कर पाएं। और आज के केक की रेसिपी की खास बात यह है कि ना तो आज हम इसमें दूध डालने वाले हैं, ना ही दही डालेंगे और ना ही हम इसमें एग यूज़ करेंगे, बल्कि एक स्पेशल इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जिसे मैं वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप इसको परफेक्टली बना पाएंगे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही कर लें, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी बहुत सारी दिलचस्प वीडियो लाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है अपने केक टिन को तैयार। तो इसके लिए मैंने अपना एक केक टिन ले लिया है और हम नॉर्मल पेपर को ही इसके बेस पर काट करके एक सर्कल काट लेंगे। आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप प्लेन पेपर से भी उसको यूज़ कर सकते हैं टिन में। तो मैंने देखिए ड्रॉ कर लिया है इसके बेस को और अब सीजर की मदद से मैं इसको गोल कट कर लूँगी। आप चाहें तो बिना पेपर के भी बना सकते हैं, सिंपली मैदा को डस्ट करके, पर अगर इस तरीके से बनाएंगे तो केक को निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी और बिल्कुल आराम से वो डीमोल्ड हो जाएगा। तो देखिए, जस्ट एक मैंने पेपर सर्कल शेप में काटा है और इसको मैं सबसे पहले ग्रीस कर दूंगी किसी भी तेल, ऑयल या फिर घी से। सारी साइड्स पर लगाना है, कॉर्नर्स में लगाना है, अच्छे से इसको हम ग्रीस कर देंगे। तो लीजिए, टिन हमारा हो गया है तैयार। और चलिए अब कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। तो मीडियम गैस पे मैं कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख देती हूँ ढक करके। चलिए अब इसके बेस की तैयारी करते हैं, जो कि बहुत मेन पार्ट है। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और ले लिए हैं अपने पास में कुछ रखे मेजरिंग कप। लेकिन आप लोगों के पास नहीं होते अगर मेजरिंग कप तो आप सिंपली एक बाउल का नाप भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे के मेजरमेंट आपको उसी बाउल से करने हैं। तो आप एक नॉर्मल सी कटोरी या फिर कप को सेट कर लीजिएगा। आज हम 2 कप के साथ केक बनाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 3/4 कप चीनी ले ली है पीस करके। आप साबुत चीनी भी ले सकते हैं, पर पीसी चीनी लेंगे तो केक आसानी से बनेगा। तो मैंने यहाँ 3/4 कप चीनी ली है और अब मैं इसमें डाल दूंगी नॉर्मल जिससे हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल। कुछ लोग सोचते हैं कि तेल ज़्यादा डालने से हमारा केक बहुत मॉइस्चर वाला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप तेल ज़्यादा डाल देंगे तो आपका केक बिल्कुल से चिपचिपा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ रिफाइंड लिया है, आप चाहें तो मेल्टेड बटर या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक विस्कर से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए अभी एकदम थोड़ा ड्राई है, तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जी हाँ, आज ना मैं दही डालूंगी ना दूध डालूंगी, मैं सिंपली पीने वाला पानी डालूंगी रूम टेम्परेचर पर। तो जैसे 6 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला, 6 चम्मच ही मैं पानी डाल रही हूँ। पानी को हम आगे और डालेंगे, पर शुरुआत में इतना ही डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ बटर यूज़ करेंगे तो बटर थोड़ा लाइट कलर का हो जाता है और फ्लफ़ी हो जाता है, बट क्योंकि मैंने रिफाइंड डाला है तो वो इतनी जल्दी फ्लफ़ी नहीं होगा। बस हमें रिफाइंड पानी और चीनी को अच्छे से घुल बना देना है, अच्छे से ये आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस को करते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली है एक थाली और इसमें हम ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने रख दी है इसके ऊपर एक छलनी और जिस कटोरी से मैंने चीनी नापी थी उसको भर करके अच्छे से मैंने मैदा ले लिया है। बहुत ज़्यादा दबा करके नहीं भरा है, बस ऊपर तक भर लिया है। और ऐसी मैं 2 कटोरी डाल दूंगी, आप कोई 2 कप डाल दीजिए या 2 कटोरी डाल दीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जितने कप मैदा उतने ही चम्मच बेकिंग पाउडर, यानी कि मैंने 2 कटोरी अगर यहाँ पर मैदा डाला है तो मैं 2 ही स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा, 1 कप मैदा में 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 कप मैदा में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर। बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से भर करके डालना है। और वैसे ही जो सोडा होता है वो उसका आधा, यानी कि 2 कप मैदा में 1 चम्मच सोडा। तो 2 कप मैदा में 2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चम्मच सोडा। और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर।
ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं या फिर बिना मिल्क पाउडर या मिल्क पेड के भी बना सकते हैं, लेकिन इसको डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ करके आता है। तो मैंने इसे दो बार अच्छे से छान लिया है। इस प्रोसेस को आप कभी भी स्किप ना करें, हमेशा मैदे को अच्छे से छलनी से छाने। चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं। तो जो चीनी, पानी और रिफाइंड को हमने घोल करके रखा है, इसको एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देते हैं हम फ्लेवर, यानी कि मैं यहाँ पर क्योंकि वनीला केक बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच वनीला फ्लेवर डाल रही हूँ। इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम ना दूध डाल रहे हैं ना दही डाल रहे हैं, आज का केक हम सिंपल पानी से बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दूंगी, क्योंकि जो 6 चम्मच पानी हमने डाला था वो कम है, तो यहाँ मैं 6 चम्मच और डाल रही हूँ। तो टोटल हमने 12 चम्मच पानी इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब इस स्टेज पर हम अपने छाने हुए मैदे के मिक्सचर को डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर करके डालना है। तो एक स्पून की मदद से हम दो दो तीन तीन चम्मच करके डालते जाएंगे और बस इसको हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे। बीच में अगर लगता है कि बैटर गाढ़ा हो रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। हमें एकदम रिबन कंसिस्टेंसी बनानी है इसकी। तो आप धीरे धीरे मैदा डालते जाएं और इसको विस्क करते जाएं। हमें बहुत विस्क नहीं करना है, बस ये आपस में जैसे ही घुलता जाए आप ऊपर से और मैदा डाल दीजिएगा। देखिए मेरा बैटर कुछ गाढ़ा सा हो गया, तो मैं इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच फिर पानी डाल देती हूँ और फिर से इसको मिक्स कर देती हूँ। हमें अच्छा सा बैटर बनाना है। देखिए इस स्टेज पर मेरा बैटर कुछ इस तरीके का है, ये बहुत ही टाइट है। अगर मैं इसे केक टिन में डालूंगी तो मेरा केक बहुत टाइट बनेगा, ड्राई बनेगा और अच्छे से स्पॉन्ज भी नहीं आएगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, क्योंकि हमें परफेक्ट रिबन कंसिस्टेंसी ही हमेशा अपने केक की बनानी है। देखिए, और इस स्टेज पर हम अपने बीटर को रख देंगे। यहाँ पर हम किसी भी स्पैचुला से या चम्मच से इसको फेंटेंगे, जैसे कि कट एंड फोल्ड होता है, बिल्कुल इस तरीके से। ज़्यादा विस्कर को चलाने से हम अपने केक का सारा मिक्सचर इतना ज़्यादा बीट कर देते हैं कि फिर उसे फूलने में दिक्कत आती है। तो आप इस स्टेज पर स्पैचुला से अच्छे से इसको कट एंड फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमारे केक की हमेशा होनी चाहिए, तभी आपका केक परफेक्टली स्पॉन्ज बनेगा। अब मैं एक बड़ा चम्मच ले रही हूँ, नॉर्मल जो से हम राइस वगैरह खाते हैं, और इसमें भर के डाल रही हूँ मैं 1 स्पून विनेगर। जी हाँ, क्योंकि हमारे बेकिंग पाउडर और सोडा को रिएक्ट करने के लिए कोई चीज़ चाहिए जिससे कि वो और हमारे केक को फुलाए। हमने यहाँ दही भी नहीं डाली, दूध भी नहीं डाला, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है और अच्छे से इसको कट एंड फोल्ड करके मिक्स कर रही हूँ। आप ये मत सोचिएगा विनेगर को डालने से हमारे केक का कुछ टेस्ट खराब हो जाएगा या नमकीन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी देखिएगा केक कितना परफेक्टली स्पॉन्जी और बढ़िया बेक होगा। तो मैंने अच्छे से विनेगर को डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बढ़िया सी कंसिस्टेंसी मेरी रेडी हो गई है। चलिए अब इसको केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं, टिन हमारा पहले से ही रेडी है। तो मैं इस सारे बैटर को अपने टिन में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है, और आप ध्यान से देखिएगा मैंने टिन को पूरा बिल्कुल नहीं भरा है, आधा या 3/4 तक ही हमें भरना है। और भरने के बाद इसको इस तरीके से टैप करना है अच्छे से 10 से 12 बार। ये देखिए एयर बबल्स आ जाएंगे, वो हमें निकाल देने हैं, तभी हमारा जो स्पॉन्ज है वो एकदम इवन और स्मूथ बनेगा, बढ़िया जालीदार बनेगा। और कढ़ाई हमारी बढ़िया से गर्म हुई रखी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कढ़ाई अगर बहुत तेज गर्म हो गई है तो गैस बंद कर दें, धुआं उठने वाली स्टेज तक हमें नहीं जाना है, बिल्कुल हल्की गर्म होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं रख दूंगी एक कटोरी, आपके पास कोई स्टैंड है तो वो रख दीजिएगा, चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन टिन कढ़ाई से टच नहीं होना चाहिए। और इसको ढक करके गैस सिम करके मैं आधे घंटे तक ऐसे ही छोड़ दूंगी, बीच में चेक बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो केक बीच में फूलता फूलता ही बैठ जाएगा। देखिए 30 मिनट बाद मैं अपने केक को चेक कर रही हूँ और ये परफेक्टली फूल करके तैयार है। देखिए आप देख सकते हैं, इसको चेक करने के लिए मैं एक चाकू की मदद से इसे चेक करूँगी। अगर हमारा चाकू एकदम क्लीन आता है तो इट मीन्स हमारा केक बन चुका है। गैस को बंद करके अब मैं इस कढ़ाई में केक को ऐसे ही छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए। केक को हमेशा आप ठंडा होने पर ही डीमोल्ड करें, नहीं तो वो टूट सकता है। तो केक मेरा लगभग थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, चलिए मैं इसे कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। देखिए इसने अपने आप किनारे छोड़ दिए हैं, और एक नाइफ की मदद से मैं अगर कहीं किनारा चिपका भी है तो उसको छिड़ा लेते हैं। वैसे आपने तेल अच्छे से लगाया था, ग्रीसिंग अच्छे से की है, तो ये आराम से निकल आएगा, लेकिन अगर कोई गुंजाइश भी है तो हम चाकू से इसे छुड़ा लेते हैं और एक थाली इसके ऊपर जस्ट उल्टी रखेंगे और उल्टा करके बस दो हाथ टैप करेंगे और केक हमारा बढ़िया बन करके प्लेट में देखिए निकल आया है। कितना बढ़िया बेक हुआ है, मैं पेपर हटा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए
कितनी परफेक्ट जाली है, कितना परफेक्ट स्पॉन्ज है, 2 कप मैदा से हमारा कितना बढ़िया लगभग 1 से 1.5 पाउंड का केक तैयार हो गया है। देखिए मैं दबा करके आपको मैं दिखा रही हूँ कितना बढ़िया हमारा बन गया है, और लगभग ये ठंडा भी है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ इसको काटना। तो इस तरीके से आप कोई भी धारीदार चाकू ले लीजिए, और पहले तो इसके ऊपर का बेस काट दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा उठा हुआ होता है और क्रीमिंग करने में दिक्कत देता है। तो सबसे पहले आप इसको उठाकर निकाल दीजिए और बच्चों को खिला दीजिए, क्योंकि जब तक आपका केक तैयार होगा क्रीमिंग करके, उनका मन कर जाएगा इसको खाने का। तो मैं इसको निकाल करके अपने बच्चों को दे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा टेस्ट एंजॉय कर सकें। तो आप किसी भी धारीदार चाकू से इस तरीके से निकाल दीजिएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा सॉफ्ट स्पॉन्ज बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं अब हमारा केक ऊपर से भी प्लेन हो चुका है, और नीचे से भी मैंने उल्टा करके रखा है तो प्लेन हो चुका है। आपको मैं पास से दिखाती हूँ इसका स्पॉन्जीनेस। तो विनेगर डालने से आप बिल्कुल मत सोचिएगा केक खराब बनता है। इसमें देखिए विनेगर डालने से ही सोडा के संग कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, कितना बढ़िया टेक्स्चर आया है, कलर आया है। तो आप जब भी केक बनाए पानी से विनेगर जरूर डालिएगा। चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ इसे कट करना। तो इस केक को मैं 3 लेयर में कट करूँगी, क्योंकि ये 2 इंच का केक है, आराम से 3 लेयर में कट हो जाएगा। तो कट करने के लिए ना तो मैं कोई चाकू यूज़ कर रही हूँ, ना कोई धारीदार बड़ा ब्लेड यूज़ कर रही हूँ। मैं आज आपको सिंपली इसे एक ऐसी टेक्निक से काटना सिखाऊंगी कि आप ज़रूर उससे अच्छा काट पाएंगे। तो सबसे पहले मैं वो चाकू से इसमें निशान लगा दूंगी जहां से मुझे इसे काटना है। बिल्कुल हल्के हाथों से रोटेट करते हुए हमें इसमें निशान लगा देना है, जितनी भी आप लेयर काटना साथ चाहते हैं। अमूमन इसमें से 2 लेयर कट जाएंगी। तो जस्ट मैंने चाकू की नॉक से इसमें निशान लगा दिए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं मेरे निशान, नजदीक से दिखाती हूँ मैं आपको, निशान दिख रहे हैं। बस इसी को हम अब काटेंगे, वो भी धागे की मदद से। जी हाँ, घर में कोई भी धागा ले लीजिए साफ सा, और धागे को थोड़ा सा तोड़ लीजिए, और बस एक किनारे से हम इस धागे से दूसरे किनारे पर काटते हुए इस केक को ले आएंगे। ऐसा करने से हमारा केक एकदम स्मूथली इवनली कट होगा। आप वीडियो में दिखाए अनुसार बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। तो धागे के टुकड़े को मैंने देखिए अपने खांचे में फंसा लिया है, जहाँ पर मैंने चाकू से निशान लगाया था, और जस्ट इसको अब मैं साइड बदल देती हूँ ऊपर की तरफ, और बस जैसे zigzag करते हुए मैं इसको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ लेती आऊँगी। तो कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कोई चाकू की ज़रूरत नहीं है, और आप देखिएगा कितना बढ़िया हमारा केक बन करके कट के तैयार हो जाएगा। और बढ़िया केक हमारा कटेगा तो इसकी क्रीमिंग करने में भी बहुत आसानी आएगी, वो बिल्कुल इवनली होगी। तो ये स्किप मत कीजिएगा, हमेशा आप केक को परफेक्टली कट करिएगा। ये देखिए मेरा धीरे 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 से एक तरफ से डाला और एक तरफ से मैंने निकाला, लगभग 30-40 सेकंड में ये कट करके तैयार हो जाता है। तो आप पेशेंटली इसको काटे लीजिए, मेरा धागा दूसरी साइड से बाहर निकल के आ गया, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया ये कट हुआ है। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है कटा हुआ। अब दीजिए आपका केक बेस तैयार है, परफेक्ट कटा हुआ। तो आप इस तरीके से केक को बनाइएगा, आपसे आई एम श्योर कोई गलती नहीं होगी। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको भी दूर करने की। और आज आप देख ही सकते हैं हमने सिंपल पानी से ही कितना बढ़िया परफेक्ट स्पॉन्जी केक बनाया है। तो अब आप अपने केक को इसी प्रोसेस से बनाइएगा, आपका केक एकदम परफेक्टली बनेगा। फिर इसके ऊपर क्रीमिंग कीजिए, आइसिंग कीजिए, जैसी डेकोरेशन करनी है आप कर सकते हैं। तो मैं फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई रेसिपी या फिर एक नई बेकरी आइटम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।